के कदावर नेता आजम खान पर सरकार का 200 करोड़ रुपया बर्बाद करने का आरोप लगा है। यह आरोप भाजपा नेता वीर सिंह लोधी एडवोकेट ने लगाया है। उनका कहना है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर ग्राम पसियापुरा तक करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तक यह सीवर बनाई गई है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सीवर का कोई काम ही नहीं है, वो तो नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए, परंतु सरकार के धन को लूटने की नीयत से 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का खर्च कर पैसे की बर्बादी की गई है, जिसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। वहीं भाजपा नेता वीर सिंह लोधी ने कहा कि आजम खान द्वारा जिले में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया, जिसकी जिला प्रशासन बारीकी से जांच कर आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अपने आप को ईमानदार कहने वाले आजम खान का सच दुनिया को भी पता लग सके। लगाया है और यूनिवर्सिटी से लेकर ग्राम पसियापुर तक 4-5 किलोमीटर का जो सीवर लाइन बनाई गई है, करीब 150-200 करोड़ रुपया उसमें राज्य सरकार का लगा है और उसकी जो है कोई जन उपयोग की कोई मतलब नहीं है। जबकि ये जो पैसा था, ये सिविल लाइन से रामपुर के सिविल लाइन से एरिए में थर्ड फेज का निर्माण कार्य होना था और उसमें मंत्री आजम खान ने जो है सारा पैसा वहाँ बिल्कुल बेकार लग गया। एक पैसे का मतलब नहीं है, जनता को रत्ती भर कोई फायदा नहीं है। हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि इसकी व्यापक जाँच कराई जाए और राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर दूसरा नाम रखा जाए और उसमें तुरंत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रार्थना की है हमने, मुख्तार अब्बास केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास जी से भी हमने प्रार्थना करी है और राज्य मंत्री औलख जी से भी हमने प्रार्थना की है कि इसका नाम जल्दी से बदलवा कर और इसका उद्घाटन करें और प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए हैं कि व्यापक जांच होगी। अच्छा, नाम बदलने की क्यों बात सामने आ रही है? अरे भाई, ये रामपुर है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, कोई इस्लामीकरण थोड़ी हो गया है रामपुर का। भाई, भारतीय महापुरुषों के नाम पे नामकरण होना चाहिए। ये थोड़ी है कि बी अम्मा गेट, बावे इल्म गेट, बावे हयात गेट, बावे ये गेट, क्या मतलब है इनका? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।